हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुलखान यूनिवर्सिटी बरेली से एफिलेटेड कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी समाप्त हो चुकी है। और हमने कुछ दिन पहले ही आपको ये जानकारी दी थी कि एडमिशन फॉर्म फिल होने की लास्ट डेट जैसे ही समाप्त होती है उससे 2-4 दिन बाद आपके जो मेरिट लिस्ट है वो आपके कॉलेजेस में मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स अभी भी हमारे भरोसे पर बैठे हुए हैं क्योंकि आपका एडमिशन कॉलेज में होगा और कॉलेज वाले जो मेरिट लिस्ट है वो हमारे पास बिल्कुल नहीं भेजेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आपने जिस भी कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किया है, जिस कॉलेज में ले जाकर फॉर्म जमा किया है, तुरंत आपको भागते हुए उसी कॉलेज में पहुंच जाना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रुलखान यूनिवर्सिटी से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इस बारे में जानकारी मिल सके कि आपके एडमिशन की जो मेरिट लिस्ट है, चाहे आपने बी ए में एडमिशन के लिए आवेदन किया हो, बी एस सी में आवेदन किया हो, बी कॉम में एडमिशन लिया हो, बी बी ए, बी सी ए, बी एल एल बी, बी एस सी ए, जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन के लिए आवेदन किया है, जिस कॉलेज में आपने फॉर्म जमा किया है, अब आपको उसी कॉलेज में जाकर पूछ लेना है। वहाँ जहाँ पर भी मेरिट लिस्ट होगी वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अगर मेरिट लिस्ट आ गई होगी तो कॉलेज वाले आपको बता देंगे कि आप उस नोटिस बोर्ड पर जाकर देख लीजिए या हमारी वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज वाले बताएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से आपको मेरिट लिस्ट दिखाई देगी तो यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट नहीं मिल पाएगी। कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर मेरिट लिस्ट आ चुकी है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन को लेकर, और कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनमें आगे 2-4 दिन में जो मेरिट लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। अगर बरेली कॉलेज की बात करें तो 5 अगस्त की डेट सुनने में आ रही है, जो यहाँ पर 5 अगस्त को आपकी मेरिट लिस्ट है वो बरेली कॉलेज की तरफ से आ सकती है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। और बरेली कॉलेज की मेरिट लिस्ट है वो वेबसाइट पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसी तरह से आपने जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किया है आपको उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर देखना चाहिए। अब हमें तो ये पता है ना कि आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन किया, इसलिए आपको उस कॉलेज की वेबसाइट पर चेक करना चाहिए या फिर आपको उस कॉलेज में जाकर टीचर से पता करना चाहिए कि हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी। ये मेरिट लिस्ट का जो झाड़ और झंझट होता है ये केवल एडेड और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है, ये यह चीज़ आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज के लिए होता है। प्राइवेट में तो आप जितने टाइम चाहिए मुँह उठाकर बस आपका एडमिशन समझो हो गया, बस फॉर्म लेकर चले जाइए एक बार वहाँ पर, फिर तो वो वापस आपको बिना एडमिशन के आने ही नहीं देंगे। आपसे कहेंगे कि पैसा कल जमा कर देना, बस एडमिशन कंफर्म करा लीजिए, क्योंकि एक बार एडमिशन आपका कंफर्म हो गया, सीट लॉक हो गई, फिर तो आप चाहे आंसू बहाइए चाहे कुछ भी कीजिए, वहाँ से एडमिशन रिमूव नहीं होगा। इसलिए प्राइवेट कॉलेज में आप सोच समझ कर जाएं। जब अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन कर दिया है तो आप 18 अगस्त से 1-2 दिन पहले तक वेट कर लीजिए। कई बार एक मेरिट लिस्ट आती है, दूसरी मेरिट लिस्ट आती है गवर्नमेंट कॉलेज में, तीसरी मेरिट लिस्ट आती है, कई सारे स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो थर्ड मेरिट लिस्ट में होता है, ठीक है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, अब वहाँ पर अपनी सीट लॉक करा देते हैं, तो फिर बाद में ये ना कहिए कि अब हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आ गया, अब हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे जाल में फंस जाते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कॉलेज या एडेड कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन किया वो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और अपने कॉलेज में जाकर पूछ लें कि मेरिट लिस्ट कब आएगी। और जो मेरिट लिस्ट है वो आपको कॉलेज से ही मिलेगी, यहाँ पर आप ये ना सोचिए कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपको दिखाई जाएगी, क्योंकि सभी कॉलेज की जो मेरिट लिस्ट है वो अलग अलग होगी। पता नहीं कितने सारे कॉलेज हैं, 560 से ज़्यादा कॉलेज हैं, और सभी में यहाँ पर मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, केवल एडेड कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में ही मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। उनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको कॉलेज में ही जाकर पता करना होगा या फिर अपने कॉलेज की वेबसाइट पर देखना होगा जिस कॉलेज में आपने एडमिशन के लिए आवेदन किया। तो उम्मीद करता हूँ आप परेशान नहीं होंगे, बल्कि अपने कॉलेज की वेबसाइट या फिर वेबसाइट अगर आपको जानकारी नहीं है तो कॉलेज की जानकारी तो जरूर होगी, क्योंकि कॉलेज में आप जरूर गए होंगे एडमिशन फॉर्म जमा करने के लिए, तो कॉलेज का रास्ता तो आपको पता ही होगा। तो वहाँ पर आप जाएंगे कैसे, चाहे कल चले जाइए या परसों चले जाइए। एडमिशन की जो डेट है वो अब नहीं बढ़ने वाली है ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर एडमिशन फॉर्म फिल करने की डेट आगे बढ़ाई जाती तो अभी 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन से कोई भी नोटिस यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आया है और कई सारे कॉलेजेस ने मेरिट लिस्ट जारी भी कर दी है। तो उम्मीद है कि अपडेट तो आगे बढ़ेगी नहीं, बस आपको मेरिट लिस्ट का चेक कर लेना है अपने कॉलेज में जाकर, जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन के लिए आवेदन किया। अगर अभी तक आपने हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ब्लॉग चैनल की लिंक है वीडियो के कमेंट बॉक्स में देगी, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक सारी लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं।